बात जरा जम्मू कश्मीर की, सीधा आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। इंतजामिया के कुछ अहम फैसले भी हैं, लेकिन जब मुल्की सतह पर रिकॉर्ड बना हो तो जम्मू कश्मीर क्यों पीछे रहे, ये पिछले चार दिनों से हम देख रहे हैं। आज एक बार फिर कोरोना के केसेज में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा जो हुआ है, मुसलसल दूसरे रोज 3000 से ज्यादा केसेज रिपोर्ट हुए हैं और अब तक सुबह तक का जो अपडेट है 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। सरकारी आदादोशुमार 30 बताते हैं, लेकिन रात देर गए जम्मू से एक और मौत की खबर के साथ। इस वक्त कोविड-19 के मरीजों की मौत का आंकड़ा 31 पिछले 24 से 30 घंटों के दरमियान हो चुका है, और इन सब के बीच में इंतजामिया के कुछ और अहम फैसले भी हैं। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, अगर जम्मू कश्मीर का जब हम रुख करते हैं तो आसिफ ने पहले ही आपको बता दिया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 31 लोगों की मौत वाकिया हुई है और 3000 से ज्यादा नए केसेस कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। नंबर एक। नंबर दो, 1000 से ज्यादा लोग शिफायाब भी हुए हैं, जो एदादोशुमार बताए जा रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोग अस्पतालों से रुख्सती भी पाए गए हैं। 3000 नए आए हैं, 1000 लोगों की रुख्सती हुई है, लेकिन 30-31 के करीब लोगों की मौत भी एक सिंगल डे में सबसे ज्यादा आपको नजर आएगी। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं तो आसिफ बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये तो फिगर्स है, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे जब तक इसका कंट्रोल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर क्या कुछ किया जा रहा है ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब खबर सामने जो आ रही है वो ये आ रही है कि डीआरडीओ की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, श्रीनगर और जम्मू में नए 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का कयाम अमल में लाया जा रहा है और डीआरडीओ बाजाबता तौर पर इसकी मंजूरी ले चुका है। अस्पताल के कयाम के लिए श्रीनगर और जम्मू में अराजी की निशानदेही भी की गई है, यानी डीआरडीओ 500 बेडों वाला अस्पताल श्रीनगर और जम्मू के अंदर कायम कर रहा है और इस सिलसिले में बाजाबता तौर पर यूनियन होम मिनिस्ट्री जो जबल्ला जी है उनके साथ ये लगातार मीटिंग्स हो रही थी और आला साथी मीटिंग के बाद बताया गया कि जम्मू और श्रीनगर में दो अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कायम किया जाएगा और डीआरडीओ जो है वो ये 500 बिस्तरों वाला अस्पताल जम्मू कश्मीर के अंदर कायम करेगा। एक बात तो ये है, अब जब कोविड की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का एक दिन का जो मामला था वो तो हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन ऑलरेडी एग्जामिनेशंस का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस हो रहे थे या होने वाले थे, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से और पहले कल हमने आपको बताया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ कहा था और कल कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी वजाहत जो है वो सामने आई और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी जो इम्तहान होने थे अब फिलहाल उनको मुलतवी कर दिया है मई 15 तारीख तक, यानी अब यह पूरा मामला बड़ा मई 15 तारीख तक फिलहाल किसी तरीके के इम्तिहान जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से नहीं लिए जाएंगे और यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि सूरत हाल जो बन रही है इसके पीछे बड़ा फैसला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके साथ साथ जब हम ये बात कर रहे हैं टेस्टिंग की और कल चीफ सेक्रेटरी की सदारत में भी एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई है जिसने पूरी सूरत हाल का जायजा लिया है, जिसमें यह बताया गया कि अस्पतालों के अंदर अभी बेड मौजूद है, अगरचे एक अस्पताल के अंदर पूरा हो गया दूसरे अस्पताल के अंदर है या मुकम्मल तौर पर अभी बेड जो है वो पूरे भी खाली है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन की फैसिलिटी को लेकर कल ही सरकार की तरफ से वजाहती बयान सामने आया था और दवाइयों को लेकर भी सरकार का एक और बयान जो है वो सामने आया, लेकिन उस पर थोड़ी देर में हम बात करेंगे। फिलहाल खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 31 लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा नए केस आए हैं और उसमें भी कुछ लोग जो है वो शिफायाब हुए हैं, वो घर चले गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके यहां पर भी सूरत हाल पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। जी, जब डीआरडीओ की आपने बात की है तो मुल्की सतह पर जो फैसला कल सरकार की तरफ से था कि पीएम केयर फंड की मदद से इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर 500 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए जाएंगे जिनकी अब तैयारी की जा रही है, अब डीआरडीओ को वो जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ साथ जब डीआरडीओ के जिम्मेदारान या मरकजी सरकार की तरफ से यूनियन होम सेक्रेटरी जब जम्मू कश्मीर के अफसरान के साथ बात कर रहे थे तो चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये फैसला लिया गया है, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स मुल्क के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर दो बड़े अस्पताल बनाने की तैयारी कर ली गई है।